हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया मैच लेकर आए हैं जो कि विदित और फिरोजा के बीच, अली रजा फिरोजा के बीच खेला गया है। ये मैच राउंड 6 में खेला गया है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के। इसमें विदित वाइट पीसेस के साथ जबकि अली रजा फिरोजा ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं। आइए देखते हैं। मैच की शुरुआत करते हुए विदित ने e4 चला है, जिसके जवाब में c5, नाइट f3, d6, d4। तो आप देख सकते हैं सिसिलियन डिफेंस की ये लाइन है। c takes d4, knight takes d4, knight f6, knight c3। तो क्लासिकल सिसिलियन की ये लाइंस हैं। knight c6, bishop c4, queen b6, knight b3, e6, bishop f4, Queen d8, Queen d2, a6, a3, b5। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि b5 को मूव करने के लिए ही उन्होंने अपनी क्वीन को वापस d8 पर लिया है। bishop e2, bishop b7। यहाँ पर bishop b7 की बजाय knight e5 एक बेटर चॉइस थी। अगर वो knight e5 को प्लेस करते तो लॉन्ग कासल यहाँ पर विजिट करते और मैच लगभग लगभग इक्वल पोजीशन पर आगे बढ़ता चला जाता। bishop b7, f3, शॉर्ट कासल, और ये लगभग लगभग इक्वल पोजीशन यहाँ पर फिरोजा के लिए रहती है। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने bishop b7 चलना ठीक समझा। इसके बाद विजिट ने लॉन्ग कासल किया, Queen b6। तो क्वीन को वापस से b6 पर फिर से डेवलप किया है। तो पहले क्वीन को b6 पर प्लेस किया, फिर वापस क्वीन को d8 पर लेकर गए ताकि b5 मूव कर सके a6 के सपोर्ट से, और अब वापस क्वीन को b6 पर ही प्लेस कर दिया है जहाँ पर वो f2 पॉन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर f2 पॉन जो है अंडर अटैक है। g4 से विदित ने यहाँ पर जो f2 पॉन है उसको ऑफर किया है कि अली रजा इसको कैप्चर कर सकते हैं ताकि वो क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश कर सकें, और अली रजा इस ट्रैप में फंस भी गए। उन्होंने अगले ही मूव में इसको कैप्चर कर लिया। इस मूव के बाद वो मैच में प्रॉपरली वापस आ नहीं पाए और बहुत ज़्यादा एडवांटेज विदित के पास मैच में लास्ट तक रही। आप इवेल्यूएशन बार से भी देख सकते हैं +4 की एडवांटेज यहाँ पर विदित के पास है। e5, knight d7। तो e5 से सेंट्रल पॉन को हिट किया है जो कि d6 पर है, और नाइट को भी हिट किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉन को कैप्चर अली रजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इसको कैप्चर करते हैं d takes e5 तो क्वीन ट्रैप हो जाती है। bishop e3 से क्वीन पर अटैक, queen g2, rook hg1, queen takes h2, rook h1, queen g2, rook d g1, और क्वीन यहाँ पर ट्रैप गए क्योंकि क्वीन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये भी यहाँ पर रुक से कंट्रोल्ड है, रुक से कंट्रोल्ड है, बिशप से कंट्रोल्ड है, यहाँ पर नाइट का कंट्रोल है, और स्क्वेयर पर भी नाइट का कंट्रोल है। तो क्वीन ट्रैप यहाँ पर हो जाती है, इसलिए नाइट को d7 पर ले जाने के सिवाय कोई ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। और इसके बाद e takes d6, तो एक बहुत ही एडवांस्ड पान जो कि बहुत अच्छे से डिफेंडेड है, ये यहाँ पर विदित को मिल गया है जो कि 2 स्टेप अवे है प्रमोशन से। Queen b6, वापस से क्वीन को b6 पर लिया है, bishop e3, queen d8, फिर से queen d8। तो आप देख सकते हैं कि क्वीन को बहुत ज़्यादा मूव किया गया है, बहुत ज़्यादा मूव्स यहाँ पर वेस्ट किए गए हैं, और अभी तक भी जो किंग है वो सेंटर में ही स्टक है। यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रिंसिपल फेलियर इस मैच में हमने अली रजा की तरफ से देखा है। rook h f1, knight c e5, queen d4, rook c8, queen a7, bishop c6, giving up that a6 pawn, queen takes a6, rook a8, और यहाँ पर bishop a7 से ब्लॉकेट क्रिएट किया है। बहुत ही अच्छा मूव ये विदित ने चला है। उसके बाद g6, फाइनली अली रजा बिशप को डेवलप करके कास्टलिंग के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। bishop takes b5, तो ए और बी दोनों फाइल के पॉन अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सी का भी नहीं है और डी का भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्वीन साइड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज विदित के पास है, ठीक है, जिसमें कि d6 पॉन तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है।
बिशप एच सिक्स चेक, किंग गोज टू बी वन, बिशप टेक्स बी फाइव, नाइट टेक्स बी फाइव, शॉर्ट कासल, नाइट सी सेवन, यहाँ पर रुक पर अटैक है। और यहाँ देखते हुए कि भी कोई काउंटर प्ले अवेलेबल नहीं है, अगर ले जाए इस मैच को कंटिन्यू करना चाहे तो काउंटर प्ले के लिए किंग साइड से ही कुछ करना होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर थोड़े से अटैकिंग काउंटर प्ले को ग्रेस्प करने के लिए रुक सेक्रीफाइस किया, मटेरियल सेक्रीफाइस किया है और जी फोर पोन को उन्होंने कैप्चर किया। के बाद क्वीन ई टू पोन जो कि एच टू पर उसको डिफेंड करते हुए, क्वीन टेक्स ए सेवन एंड नाइट, क्वीन टेक्स द नाइट ऑन जी फोर, बिशप जी सेवन, क्वीन सी फोर, क्वीन बी सेवन, क्वीन सी सेवन, ऑफरिंग एक्सचेंज ऑफ क्वींस, यहाँ पर क्वींस के एक्सचेंज को ऑफर कर रहे हैं। क्वीन वापस बी फाइव पर, रुक एफ फोर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है। क्वीन ई टू, यहाँ पर डेस्परेट अटेम्प्ट कह सकते हैं रुक को अटैक करने का। रुक डी टू, क्वीन गोज टू ई फाइव, रुक एफ डी फोर, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर ब्लॉकेट क्रिएट किया है। ये रुक नाइट से भी और रुक से भी डिफेंडेड है, बहुत अच्छा डिफेंस है, साथ में पॉन को भी दोनों रुक ने डिफेंड किया हुआ है, और जो बी टू स्क्वायर है जहाँ पर अटैक करने की कोशिश है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। नाइट एफ सिक्स, क्वीन सी फाइव, फिर से क्वींस के ट्रेड को ऑफर करते हुए, नाइट डी फाइव, किंग ए टू, क्वीन एफ सिक्स, सी थ्री, फाइनली बी टू का जो पॉन है वो अच्छे से यहाँ पर सेफ हो गया है। बिशप एच सिक्स, यहाँ पर नाइट को कैप्चर कर लिया है और बिशप एफ फोर, नाउ डी सेवन, और डी सेवन पर पॉन को प्लेस कर दिया है। ये पॉन अब बिशप से भी अटैक नहीं हो सकता है क्योंकि डार्क स्क्वायर बिशप है, यानी इस पॉन को कैप्चर करने के लिए रुक या क्वीन में से किसी को कैप्चर करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क यहाँ पर होगी। रुक डी एट, नाइट डी फोर, तो आप देख सकते हैं कि नाइट रेडी है सी सिक्स पर मूव करके रुक को अटैक करने के लिए, और इस मैच को कंटिन्यू करते हुए किसी ना किसी पोजीशन पर यहाँ पर रुक को इस पॉन के बदले आराम से कैप्चर किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। और इस पोजीशन में क्योंकि मूव 40 भी आ गया था तो एडिशनल टाइम कंट्रोल भी अब ऐड होने वाला था। 40th मूव जैसे ही चला गया, अभिजीत के पास सफिशियंट टाइम भी था कि वो इजीली प्लान कर सके और अली रजा को चेकमेट कर सके, इसलिए इस मूव के बाद अली रजा ने रिजाइन कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।